वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। लो जी, आप अज का ब्लॉग शुरू कर लगे अपना, तो थोनों दिखाने अज के काम कार। मासी बैठे ने बीबी किचन च ने, पोते का जन्मदिन देखो केड़े दा। आ देखो थो नाम दिखाता छोटे दा। मासी दे पोते दा, बीबी दा नहीं है। मासी नू ज्यादा लाड ला हो। और मेरे का गहा आऊगा मासी कहीं जून च। हाँ ये मार्च च हो जाता। हाँ लो मासी होनी तो पेट पैटीज खादिया होंगे ने। आ पिज़्ज़ा पुज़ा चल न्याणे खा लैणगे। तो अमृता चक्के भी लै गया, केक लै गया पा के। बीबी उन्होंने तो माड़ा माड़ा केक खाधा, माड़ा माड़ा केक खाते होंगे ने। सुहा सी बीबी होर लेना दमा दे दें दे। हाँ लै पालो जिन्ना क पाना, लै पालो जिन्ना पाना। आ चमचे ना पालो दोबारे दोबारे। आ एक मिनट बीबी इत रखियो, आ प्लेट पर हाँ लै दे नाल पालो। मासी तुसी भी लै लो लैना। स्वाद सी मैनू वधिया लग्या। लो जी साग धो समार के कट के धरता। तो पोते का जन्मदिन अज साग भी बनूगा। और उन्हू पसंद है ना, ता करके मसा लभ के लिया। फिर इस के चल की पता भी कि होर भी मिल जाए है ना, कुछ नहीं पता हों। तो साग मक्की दियाँ रोटियां बनावे, नहीं असं कई बार छोले पूरियां भी बना लें। चल फिर अज आ समान लिया। फिर सारा दिन तलिया होया भी वह हों, खादा नहीं है। फिर बना लाँगे नाले, ये पेपर हो जाएंगे। हम पेपर भी ने ना, तो देख लाँगे। थोड़े आलू उबले पे ने, जे कचौरियाँ बनिया जो उन्हें कहा तो बना देंगे है ना अमृत ने। लो जी साग पाता। तो इधर अपने आ हरा लसण घर का भूंका अपने साग के बिच ही कट लिया सगिया। तो आ जड़ा बरीक बरीक हरा लसण है घर का ताज़ा, ये अपने पीस के पावे। ये हरिया मिर्चा नाले अदरक लसन प्याज सारा कुछ पैजूगा ये। तो फिर आलण उलण पावे, तड़का लावे, मक्की रोटियां लावे, फिर तुम दिखावे। लो जी साग के आलण पाता अपने। आ देखो मक्की दे आटा नू विच पा दें, उन्होंने आलण कह दें। मलाई वर्गा बना दूजा नहीं मंगना। हां सही गल। लो जी इधर आपने अदरक कट लिया, प्याज कट लिया, एदा आपां तड़का ला लांगे। तो उहदे विच आपां ने लसण गठा अदरक सारा कुछ कुट के पाया होया, हरिया मिर्चा वगैरह। तो बस आ फिर मक्की दियां रोटियां साग नाल बनावांगे। मैं इधर साग नूं तड़का ला रही सीगी। आ प्याज कट्टिया होया, अदरक कट्टिया होया। उधर बीबी देखो किन्नियां वधिया लाल मिर्चा एडिया एडिया मोटियां कढ रहे ने इहदे विचों। तो लाल मिर्च खावांगे आपां। मूणियां कित्थे रख दियां बीबी? मूणियां वी रख दियां। अच्छा मूड़ियां भी आईया सगिया ताजिया ताजिया पिंडो, अपने तो है नहीं सगिया किसी के। होर हूँ वह हो गई लाइया हुई ने गियाँ, वो आप इतने लिफाफे के रखती हैं ना। आप मूड़ियां भी खावे, कहोगे कि मैं दिखा रही है सब। हाँ तो आ देखो इधर हम मैं तड़का ला ला साग नहीं।
थोड़ा जहा मैं बनानी हूँ मक्खन। लो जी इधर तड़का लग रहा साग न, इधर मक्खन बन रहा। थोड़ी जी मैं बना ली आ सारी क्रीम की मैं बना लूंगी मखनी ते आ साग, सारे ही साग नू तड़का ला लांगे क्योंकि सियाल च ता ज्यादा हुंदा ते हुण ता ठीक जा ही हुंदा है ना। वाहिगुरु सच्चे पातशाह। लो जी गर्मा गर्म नेरी मक्की दियां पानी नेरी मक्की दियां पानी नेरी मक्की दियां रोटियां पकण लग गईयां। गर्म गर्म पानी बिच रिजदा रिजदा करदा पा के ओ बीबी ने अद्धा आटा ता नाल ला के रखता उन्हूं बाद च मल लेंगे। ये नाल हुंदे मल के इधर बीबी पा देणगे ते आ इधर अपना मक्खन बन गया। जिन्हें लस्सी पीनी है लस्सी भी हैगी आ। ते आ देखो साग नू तड़का भी लग गया ते गरम गरम प्रशादे तुसी भी छको असी भी छकदे हां। बीबी ने थोड़ा जिहा घिओ ला लिया फिर मक्की दी निरी दी रोटी हुंदी है ना जिहड़ी छेती देख उठ खड़दी है। हाँ उठ खड़दी है फिर इह ते मैं इधर राड़ के और डब्बे दे विच आपां ने पूणा बिछा लिया ते आ अपना नवा डब्बा स्टील दा। आ देखो अपा ने भी घर वास्ते लाया है डब्बा है ना ते इहदा ढक्कण कित्थे रखता भी आ सी आ दे कदे कदे इहदे विच रख लिया करांगे। हाँ ऐन गर्म रोटी रहिंदी है इहदे डब्बे दे विच स्टील दे विच ते उहदे विच भी गर्म रहिंदी है। फिर उहदा ना थोड़ा जिहा खराब हो गया प्लास्टिक जिहा टुट गया उहदे विच प्लास्टिक लग्गिया होइआ सीगा ते फिर असीं कहा चलो नवा डब्बा ला लैंदे आ आपां भी सारी ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਡੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਵਾਂ ਭਾਂਡਾ। ਹਾਂ ਆਹ ਕੜਾਹੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਨ ਫੁੱਲ ਫੇਮਸ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੱਚਦੀ ਆ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸਰਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਆ ਰਾਜਵੀਰ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੜਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮੱਚਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਹੈ ਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਹ ਬਣ ਗਈ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪੜ ਚੁੱਪੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਰੜੀਆਂ ਰੜੀਆਂ ਉਹ ਗਰਮ ਗਰਮ ਛੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਕਾਟਨ ਦੇ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਚਾਰ ਛੇ ਸੂਟ ਤਾਂ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇਗੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੋ ਮਾਸੀ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇਗੇ ਆਹ ਲਾਈਟ ਲਾਈਟ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਹ ਖੋਲਿਓ ਬੀਬੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਨਾ ਖੋਲਿਓ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬੀਬੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਨੇਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੋਈ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਏ ਨੇ ਸੂਟ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ 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 ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਲਿਆ ਇੱਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਹੈ ਨਾ ਭੈਣ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰ ਸੂਟ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ, ਹਲੇ ਦੋ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀਅਰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਸੂਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਨ ਪਿਓਰ ਕਾਟਨ ਆ 100% ਕਾਟਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਐਨ ਪਿਓਰ ਕਾਟਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਹ ਹੋ ਨੇਗੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸੋਹਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥਾ ਹੋਰ ਕੀ ਊ ਚੋਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਵੀ ਆਹ ਰੂ ਵਰਗਾ ਪਿਆ ਕੂਲਾ ਕੱਪੜਾ, ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਕੱਪੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਐਨ ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਨਾ ਰੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਨ ਵਧੀਆ ਪਿਓਰ ਕਾਟਨ ਆ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਡਾਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਜੀ ਸਲਵਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਚਿੰਗ ਉਹ ਮੈਚਿੰਗ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਮਸਾਂ ਮਨਾਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਆਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਆਹ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੇ ਨੇਗੇ ਆਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਲਵਾਇਆ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਫਿਰ ਆਲ ਓਵਰ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਹ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਆਹ ਭੇਜਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਫ ਵਾਈਟ ਸਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਲਵਾਰ ਲੈ ਲੂੰਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ
फुल सूट का फिर यह काफ़ी महंगा आता स फिर मैं मैचिंग नहीं घरों कोई सलवार होंगी लग जाती है फिर मैं तो कल शर्ट ही ली है ये भैन का तो फुल सूट आ है ना उन्होंने तो फुल सूट ही मंगवाया तो ये प्रिंट आ तो आ मासी जी लैके आए ने अपने लिए दो तीन मासी ने धो के पाते फिर दिखावे थोनू तो एक आ लैके आए ने हाँ आ साड़ी छोटी जी शॉपिंग होंगी है वो तो है हाँ जी हाँ जी लो जी होर थोनू साड़िया वीडियोज़ किमें लगदिया होंदिया ने सानू लाइक तो कमेंट करके जरूर दस्या करो अपने चैनल नू सबसक्राइब करया करो तो मतलब जिवें तुसी कमेंट्स करते हुंदे हो मैं पढ़ती जरूर हुंनी आ पर मेरे को ना रिप्लाई करन दा टाइम नहीं हुंदा हैगा इहदे नाल आपां नू होर भी है ना मोटीवेट हो जाने जदों थोड़े चंगे चंगे कमेंट आउंदे ने है ना तो होर वधिया काम करन दा जी करदा तो तुसी कमेंट करके जरूर दस्या करो थोनू अपनिया वीडियोज़ किमें लगदिया ने चलो फतेह की सांझ करिए जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।